जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, अगर आप उस हार्ड वर्क में स्मार्टनेस नहीं लाओगे तो आप उसको काम करने का तरीका है, अगर उसमें 2 घंटे लगेंगे तो 2 घंटे ही लगेंगे जब तक आप उसमें स्मार्टनेस नहीं लाओगे। जब तक आप स्मार्टनेस लाओगे तभी उस 2 घंटे के काम को आप 1 घंटे में कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा 2020 में कॉपी कैसे लिखेंगे, कॉपी लिखने में आप क्या क्या गलतियाँ करते हो। अगर आप ये गलतियाँ नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आपको दिए जाएंगे, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा सुपर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि 20 नवंबर तक इस ग्रुप की फ़ीस मात्र हमने 200 रुपये रखी गई है। क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, 2 से 2.5 महीने का समय बचा है जिसमें आपको ज़रूरत है अंतिम 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। तो हम इस ग्रुप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, प्लस हर सब्जेक्ट के नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। आप हमें पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, गूगल पे। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप दिए गए इस नंबर पर सेंड कर दोगे तो हम आपको सुपर ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इनके उत्तर आपको एकदम सटीक 1 और 2 लाइन में लिखने होंगे। जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है यानी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनके आंसर लिखने में आप छेड़छाड़ ज़्यादा न करें, क्योंकि इनके आंसर होते हैं वो 20 से 30 वर्ड में ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आप 1 से 2 लाइन में लिख करके ख़त्म कर दें, क्योंकि इसका जो आंसर है वही आंसर होगा, इसमें आप अपनी तरफ से छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो इसमें ये वाली गलती बिल्कुल ना करें। इसके बाद जो है देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लघु उत्तरी क्वेश्चन, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि इनके आंसर होते हैं लिमिटेड आंसर होते हैं, कम वर्ड में आंसर होते हैं। तो इसका जो आंसर वो आंसर है, यानी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते समय आपके नंबर है वो कटने का चांस बहुत कम रहता है। आपके नंबर काटे जाते हैं लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे आपके नंबर काटे जाते हैं, क्योंकि उनमें छेड़खानी की जाती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये 25 से 30 वर्ड के आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप तो 5-6 वर्ड का ही होता है। तो ये वाले क्वेश्चन आप गलती से ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपका ये ठीक जाता है आंसर तो इसमें आपका 1 भी नंबर नहीं काटा जाएगा, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर दे दिए जाएंगे। तीसरी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें, परिभाषा के साथ छेड़खानी न करें। यानी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें डेफिनेशन पूछी जा रही है तो मेरे हिसाब से वो जो डेफिनेशन है उसका जो किताबी रूप में जो डेफिनेशन है आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करें, इसमें अपनी तरफ से मिला जुला कर न लिखें, क्योंकि परिभाषा के जो मार्क्स हैं वो फिक्स रहते हैं। अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशन भी पूछी गई है तो उसमें 1 नंबर उस डेफिनेशन का फिक्स रहता है, जिसके साथ आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। फ्रेंड पॉइंट नंबर 4 है, उत्तर लिखते समय अगर चित्र बनाना पड़ रहा है तो दाहिनी ओर ही बनाएं। जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 5-5 नंबर के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ता है। अगर चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपकी, मान लीजिए ये पेपर है, ये कॉपी है, तो कॉपी का जो दाहिना भाग है यानी मान लीजिए यहाँ से इस तरफ का जो भाग है, दाहिना भाग इसको बोलते हैं, राइट हैंड की तरफ, इस वाले पार्ट में डायग्राम बनाएं, इधर बनाने की कोशिश ना करें। तो देखिए, इधर बनाने से क्या घाटा होता है, कभी कभार आपने मान लीजिए इधर डायग्राम बना दिया, आपने कोई सप्लीमेंट्री कॉपी भी ले ली तो दोनों को बांधोगे तो इसमें यहाँ पर छेद करके बांधना पड़ेगा आपको, बांधोगे तो वो डायग्राम उसमें फंस जाता है। और दूसरी बात, जितने भी डायग्राम है आप अपने हमेशा राइट हैंड में ही बनाएं, लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करें। और डायग्राम बनाने के बाद जैसे आपने डायग्राम बना दिया तो उसमें आपको अंकित करना पड़ेगा, उसके नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे कोई डायग्राम बनाए तो इस चीज़ का क्या नाम है, ऐसे वो नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी उस डायग्राम के नंबर दिए जाते हैं। अगर उस डायग्राम में आपने कुछ भी नाम नहीं लिखे हैं तो उसके नंबर आपको लगता है मतलब 1 या आधा नंबर ही दिया जाएगा, पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, उत्तर लिखते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें, हड़बड़ी न करें, रिलैक्स रहें, क्योंकि जल्दबाजी करते समय कभी कभार हमारे पास जो राइट आंसर आ रहा होता है ना उसको भी हम गलत लिख देते हैं। तो आपको जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है,
अंतिम 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जो आपको हम जनवरी से अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराएंगे। लास्ट 5 साल के अनसोल्व पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने हमारा सुपर ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पर तो आपको अभी से मिलना स्टार्ट हो गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशंस, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। सबसे पहले उन सवालों के उत्तर दें जो आपको ठीक से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने के लिए आपको क्रमबद्ध तरीके से आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3, अगर आप पर दूसरा आंसर सबसे अच्छे तरीके से पहले से आ रहा है तो आप इस आंसर को भी सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको एक तरफ से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसे सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहा है उसे सबसे लास्ट में कीजिए, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन को कीजिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए। क्योंकि आजकल स्टैम्प मार्केटिंग अपनाई आ रही है, स्टेप नंबरिंग अपनाई आ रही है, स्टेप मार्किंग बोलते हैं जिसको हम, तो आप आधा क्वेश्चन भी लिखोगे तो आपको आधा नंबर जरूर मिलेगा। तो इसलिए लास्ट में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन पहले वही क्वेश्चन करना है जो आप पर अच्छे तरीके से आ रहा है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद दोस्तों।